First time? First time. So you like it? It's amazing. Amazing, huh? Very nice. Fresh coconut. You don't even see this in London. You don't even see this in London? What coconut is. It has some hair on it and that's a coconut for us. Not this. So you'll have something real here, you know? Real essence of life you'll enjoy, inshallah. So brother Mustafa. Yes, brother. How's Oman? Beautiful. 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 So your resident card of Oman has been done, right? It's been done. Now why we are here at showroom? Why? 3, 2, 1. Good shot. तो भाई हम अभी आए कारों के शोरूम पे, बेसिकली कार लेनी है और उसी की हंटिंग जो चल रही है बेसिकली शोरूम से यहाँ पर, और शोरूम पे हमने गाड़ियाँ वगैरह देखनी और फिर पता करना है कि क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आपको भी दिखाते हैं हम गाड़ी। सो लाइक दिस वन एंड होप यू विल बाय दिस वन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। अल्लाह पाक का लाख लाख करम शुक्र एहसान है कि उसने हमें एक और दिन दिया। और आज की भाई बड़ी हैपनिंग्स हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने निपटानी हैं। उनमें से कुछ हमारे दोस्त जो है वो इंग्लैंड से आए हुए हैं, उनको गाड़ी वगैरह लेनी है, तो उन्होंने मुझे कहा था यार हम देखते हैं, चलते हैं कोई गाड़ी वगैरह, वो भी है। उसके अलावा कुछ और काम है, तो वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। अगर आप भी सल्तनत ओमान में आना चाहते हो, इस खूबसूरत कंट्री में आना चाहते हो और अपना 100% कारोबार करना चाहते हो, तो नंबर आपको मिलेगा, हम आपको इंशाल्लाह वहां से लेकर के आएंगे। जैसे कि पिछले 8 महीने से तकरीबन हम लोग ये काम कर रहे हैं, जब से ये 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है तब से, और लोगों को लाने का सिलसिला शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारा ऑफिस था वहीं हम डेली आपके सामने होते हैं, और डेली जो लोग आते हैं उनकी टेस्टिमोनीज, उनके जो फीडबैक्स हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर्स हमसे वो शेयर करते हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो ये वो सारे मामला थे जो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर चला रहे हैं ओमान में बैठ के, और एक रिलायबल, एक ट्रस्टवर्दी, हैजल फ्री एक हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। जितने भी लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहां पर 100% ओन अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं और अपने वीजा को लेना चाहते हैं यहां पर अपनी कंपनी के ओनरशिप के वीजा के, आपको कोई कफील नहीं होगा, कोई ओमानी आपका अरबाब नहीं होगा, आप खुद अपने 100% मालिक होगे। और यहां ओमान में आप अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो अपने नाम पर, और नेशनलिटी भी यहां पर मिल जाती है। ऑफकोर्स उसका कुछ प्रोसीजर है कि नेशनलिटी मिलती है ओमान में, ओमान पासपोर्ट भी देता है। हर साल कई 100 लोगों को नेशनलिटी मिलती है ओमान के अंदर, ओमान खलीज का उमाहिद मुल्क है जो नेशनलिटी भी देता है। तो चलें आज का दिन स्टार्ट करते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा इंशाल्लाह, अगर आप भी अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, ओमान में आना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप तक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। हम बस अभी खड़े हैं होटल के बाहर, अभी जैसे ही वो हमारे दोस्त जो है वो इंग्लैंड वाले आते हैं तो फिर उनको हम लेकर के दूसरी तरफ जाएंगे। सो ब्रदर मुसफा, यस ब्रदर, हाउ इज़ ओमान? ब्यूटीफुल। Beautiful. Beautiful. So your resident card of Oman has been done, right? It's been done. Now why we are here at showroom? Why? We are trying to find a car. For car. Me. Yes. Okay, which car you want? I'm looking for a Mitsubishi Pajero. Oh, that one, right? This one right there. Okay, and the other option? Another option, maybe a Nissan Xterra. Nissan Xterra, huh? Yeah, something 4x4 like this. So you want off-road cars, off-road, right? Off-road car, yeah. So bhaiya, hum log aaye hain yahan par abhi showroom pe, aur showroom pe humne bahut sari gaadiyan yahan par dekhi hain. मुस्तफ़ा भाई को चाहिए मित्सुबिशी की पजीरो या फिर निसान की एक्सटीरा, 4x4 में ये दो ऑप्शन है। तो अगर आप लोगों के पास ये गाड़ी और 14-15 मॉडल से ऊपर ही चाहिए, मतलब 14 मॉडल चाहिए, अच्छी साफ सुथरी गाड़ी है, तो आप भी अपने जो एडमिन का नंबर है मेरा उस पर भेज सकते हैं फोटोज़। सो विल ट्राई अवर इंशाल्लाह, विल ट्राई अवर बेस्ट कि अगर वो आपसे रील बनती है तो आपसे बना लेंगे, वरना शोरूम से हम देख ही रहे हैं, डुबिसल वगैरह भी देख रहे हैं। आपको बताने और दिखाने का मकसद ये कि जब आप यहाँ पर आते हैं अपने कार्ड्स वगैरह बनवा लेते हैं, तो कार यहाँ पर नंबर वन प्रायोरिटी है जो आपको लेनी है। कार के बिना आप बेकार हो, राइट? विदाउट कार यू आर बेकार हियर, राइट? यूजलेस। सो वी सॉ सम ऑप्शंस, वी आर गोइंग टू चेक देम आउट, एंड इफ यू गॉट समथिंग देन एडमिन नंबर होगा जिससे मेरे व्हाट्सएप फैन क्लब्स के ग्रुप्स में मैसेज आता है, तो उस पर आप वो फोटोज और वो भेज सकते हैं उसकी प्राइस, तो इंशाल्लाह विल ट्राई दैट टू। चलो जी, लेट्स गो टू सी दैट कार, लेट्स गो। इट्स ऑल फ्रॉम अल्लाह। सो दीज आर द अपार्टमेंट्स हैं भैया यहाँ पे जो रेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे सारे के सारे, ये बेसिकली ये अलखैर का इलाका, और हम जा रहे हैं बॉशर की तरफ अब एक अदर गाड़ी देखने। सो भाई हम आ गए मुस्तशफा, मतलब ये है मस्कत का प्राइवेट हॉस्पिटल एक, यहाँ पर हमने देखने का कार। अखे मिल पा रहा? Outside. Okay. So, mashallah, you learned bit Arabic, huh? Learned a bit. Aisha. This is the thing which you need to be here. You know, if you are in Oman, you have to work like this. Work like this. Alhamdulillah. Okay. So, we are in hospital. We are going to see. We have a guy called. Call him. गाड़ी हमें दिखाता तो फिर देखते हैं आगे क्या चलता है। बाय द वे ये हॉस्पिटल देखो, सब यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, डर्मा, लेज़र, व्हाटएवर, लाइक एवरीथिंग इज हियर। सो ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, हॉस्पिटल के क्या मामलाते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ ओमानियों के लिए हैं,
अलबत्ता वैक्सीनेशन वगैरह इसमें कर देते हैं वो एक्सपर्ट्स की भी, लेकिन जो जैसे बद्रुसमा है यहाँ पर, एस्टर हॉस्पिटल है, NMC है, नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल है, वो सारे हैं और यहाँ पर चीप है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मेडिकल यहाँ पर इतना। लाइक GP जो है एक वो 3 रियाल ओमानी कॉस्ट करता है जो जनरल फिजिशियन है, विच इज अराउंड 6 pounds इन UK। हाउ मच Privately, you're not looking at anything less than 100 pounds. Less than 100 pounds. Yeah, means so only consultancy, yeah? Yeah, just consultancy. Then they'll give you paracetamol. Paracetamol. That's it. 100 pounds. So 100 pound in UK for GP consultation, 3 riyal, like 6 pounds in Oman, general physician consultancy. This is the difference of life. Like how many times cheaper? Maybe. It's going to be 8,000, 3,000, 4,000 times cheaper, yeah. Right? And you're going to be on the waiting list. So they don't see you like that. They make you wait maybe 1 week, 2 weeks. So if you're dying even, they will say, okay, wait, we will watch you after that's one. Basically. Oh my God. If you survive, you pay us. Hey, Baba, this is Sukri for you. MashaAllah. Wait. Okay. Brother. Thank you very much. Fresh from the tree. फ्रेश है भैया, दरक से डायरेक्ट आया ना, अभी आया। गाड़ी भी अभी भाई देखो फ्रेश है बिल्कुल, ये फ्रेश चीजें मिलती है भाई इधर। फर्स्ट टाइम सो यू लाइक इट? इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। फ्रेश कोकोनट, यू डोंट इवन सी दिस इन लंदन, यू डोंट इवन सी दिस इन लंदन। कोकोनट इज, इट हैज सम हेयर ऑन इट एंड दैट्स अ कोकोनट पल्प, नॉट दिस। सो यू विल हैव समथिंग रियल हियर, यू नो, रियल एसेंस ऑफ लाइफ यू विल एंजॉय इंशाल्लाह। देखो भाई, रिस्क हलाल कमाना जो है ना वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए इसको ऐन इबादत भी कहा गया है। हुजूर रिस्क हिलाल ऐन इबादत है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग जो है वो निकले हुए हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदा अपने बच्चों के रोजगार के लिए सारे मामलात करता है, घूमना फिरना, देखना, आपको मोटिवेट करना, सारे मामलात बताना दिखाना, ये सब यही है सारा। इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो रिस्क हलाल, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मेरा पार्टनर है जो कि हमारे साथ मंडी का हम लोग काम करते हैं, वो इस वक्त जो है वो रूस की जो रियासतें थी ना, आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान, तुर्की से और ईरान से जो बॉर्डर है उस पे है अभी अपने माल उठाने के लिए, क्योंकि हमने वहां से जो वो प्याज उठानी है, एप्पल वगैरह उठाना है, तो वो वहां निकले हुए हैं। वो हर बंदे को देखो बिजनेस में स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। देखो आपके काम है कोशिश करना और उसके पीछे लगना। हमने जब ये काम शुरू किया था मंडी वगैरह का, वी लिटरली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हमें कुछ नहीं पता था, हमें ये था बस कानों के पीछे लगाते हैं पहन, और पढ़े लिखे भी नहीं है 99% लोग पढ़े लिखे नहीं है मंडी के बिजनेस में। हम गए वहां पे, हमने थोड़ा प्रोफेशनली उसको करने के लिए सोचा, समझा, किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड। तो इसी तरह आप भी जो भी काम करना चाहते हो, हुसूल रिस्क ला नियत अपनी साफ रखो, बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाओ, तो अल्लाह ताला आपको उसके अंदर इंशाल्लाह जबरदस्त जरूर बरकत देंगे। और ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है और यही मैं आप लोगों को सिखाता, बताता और दिखाता हूँ। लोग इंग्लैंड से आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, देखो आपके सामने भाई अभी जो हम घूम रहे हैं, गाड़ी वगैरह देख रहे हैं, सारे मामला कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के वहां से यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद अपनी तरतीब बना रहे, तो टाइम लगेगा, बट वन डे यू विल सी हिम कि ये जो है अपने मामला अच्छे से चला रहे होंगे। जब मैं यहाँ पे आया था आज से कई साल पहले, तो आई वॉज सिंपल लाइक जैसे आप सब लोग आते हैं, बिल्कुल इसी तरह आए थे, लेकिन आज अल्लाह के हुक्म से सब कुछ है, तो टाइम लगता है, सारी चीजें अचीव हो जाती है। तो मेरी ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए, दुआओं की दरखास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।